हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव। तो देखिए, बीएड वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी आ चुका है, क्योंकि हम लोगों को भी प्राइमरी वाले में मौका नहीं मिला था। तो हम लोग बहुत मतलब उदास हो गए थे, बहुत ही हम लोगों को कष्ट हुआ था इन बातों से कि हम लोग तैयारी करने के बाद जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया, हमने पास भी कर लिया, फिर कट ऑफ पार भी कर लिया, फिर भी हमको जॉब नहीं मिला, मायूसी थी। लेकिन बहुत जल्द ही फिर से बिहार सरकार ने हम लोगों के लिए अवसर दे दिया है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट जल्दी से। तो देखिए, ये वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं कि कहाँ, अभी के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली 2.0 का फेज 2 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो देखिए, आइए हम इसमें चर्चा करते हैं कि किस मतलब किस में कितना पद है, 6 to 8 में कितना पद है, 9 to 10 में कितना पद है, 11 to 12 में कितना पद है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, तो इसमें हम एक एक करके सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। ठीक है, इधर देखिए, आपको दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक, ये जूम हो गया, हमने जूम कर लिया। आगे देखिए, आइए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 69,000, देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये इसको मिटाते हैं, हाँ 69, देखिए ये है कितना 69,000, याद रखिएगा ये कितना है 69,706 टोटल है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए कितना है 69,706 पदों एवं इसके अलावा 69,706 के अलावा और भी पद है। इधर देखिए, जो है पद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, जो कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण, जो कल्याण विभाग द्वारा चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके इनके लिए भी थोड़ा सा है, इधर उनके लिए कितना है 916, यानी इधर हो गया कितना, आपको इधर आप देखते हैं तो हो गया आपका 69,706, है नहीं, 69,706 हो गया हमारा, और कल्याण विभाग के द्वारा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए कितना है 916, और इधर है 69,706। टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 69,706 हुआ इधर, और उधर कुल मिला के अगर देखेंगे तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 6 6 12 2 1 1 2 916 6 6 1 9 1 10 70,622। टोटल बिहार में अगर ओवरऑल बात किया जाए तो बिहार में टोटल शिक्षक की बहाली है 70,622। ठीक है, तो ये आप जा सकते हैं, और बाकी दिशा निर्देश के लिए है ना, आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं www.bpsc.bihar.nic.in पे जाकर के संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं आप। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है, ठीक है, इस पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किसमें कितना पद है। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए के विद्यालय अध्यापक के लिए, यानी 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के लिए टोटल 31,992 पद है, याद रखिएगा 31,982 हो गया आपका मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए। ठीक है, 31,982। अब देखिए किस विषय में कितना है और किस कास्ट के लिए कितना है, वो सारी जानकारी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे गणित एवं विज्ञान में देखिए, अनरिजर्व के लिए 22,272 है, आर्थिक वर्ष से कमजोर के लिए 580 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 1080 है, तो ऐसे आप जानकारी लेंगे सब मिलेगा। ठीक है, हम इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस बता देते हैं कि 6 to 8 में आपको 31,982 पद है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अगर हम देखें तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ अगर देख रहे हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पर अगर 6 to 8 के लिए अगर आप उसकी वेतन की बात करेंगे तो 28,000 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिमा एवं अनुमान्य भत्ते मिलेंगे अलग से। ठीक है, ठीक है, अब चलिए ख में है वर्ग 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए, अगर 9-10 के लिए कितना है, तो अगर कक्षा 9-10 की अगर हम बात करेंगे तो 18,877 पद है, कितना है 18,877 पद है ये 9-10 के लिए, वर्ग 9-10 के लिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग विषय में कितने कितने सीट खाली है, जो यहाँ से सारा जानकारी आपको दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है, विकलांग के लिए कितना है, सबके लिए यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम पेज 2 पे आते हैं, तो यहाँ देखिए ग
उससे पहले 9th-10th की हम वेतन की देख बात करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है देखिए 9th-10th की जो वेतन है वो उसकी वेतन है 31,000, ठीक है, जो मूल वेतन है वो 31,000 है एवं अन्य देय भत्ते अलग से है, ठीक है, वेतनमान अगर बात करेंगे तो। अब गौ में देखिए माध्यमिक विद्यालय यानी 9 to 10 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, कुछ विशेष विद्यालय होता है, कुछ विशेष विद्यालय होता है उसके लिए, है ना, इन विद्यालयों के अलावा जो हमारी राज्य सरकार चलाती है उन विद्यालय के अलावा भी कुछ विशेष विद्यालय होता है उसके लिए 270 पद है, तो 270 पद यहाँ आपको मिल जाता है 9th-10th में, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो चलिए आगे देखते हैं, गौ तो आप देख लिए यहाँ पर कितना है 270, ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो इसके लिए भी वेतन वही रहेगा जो आपको पता है, वेतन वही रहेगा, कितना वेतन मान 9th-10th का है तो 31,000 रुपया प्रति माह रहेगा एवं अन्य भत्ते, ठीक है। अब देखिए घो में उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11th-12th के लिए, 11वीं-12वीं के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल कितना पद है 18,577, यहाँ याद रखिएगा कितना है 18,577 पद यहाँ हो गया आपको, ठीक है, 18,577 पद आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये है 18,577 पद, ठीक है। आगे की बात करें इसमें हम तो देखते हैं ये फोर में, यहाँ देखिए इसके अगर मूल वेतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूल वेतन है ना, ये इसके देखिए यहाँ पर मूल वेतन कितना है 32,000, मूल वेतन यहाँ पर कितना है 32,000 रुपया प्रतिमा है, ये 11th-12th के लिए है ना, 11th-12th में 32,000 रुपया प्रतिमा मूल वेतन है, बाकी अन्य भत्ते, बाकी किस विषय में कितनी सीट खाली है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं, जाइए साइट पर और वहां से आप क्या कीजिए डाउनलोड कीजिए, है नहीं तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, फटाफट 1 महीने का टाइम है, जल्दी से आप मेहनत कर लीजिए और उम्मीद करते हैं, भगवान से मनाते हैं कि आप लोगों की ये साल, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होना है और शायद उम्मीद है कि दिसंबर तक सब कुछ हो जाए, रिजल्ट वगैरह सब आ जाए, तो आप लोगों के नया साल जो आए 24 वो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, मेहनत कर लीजिए, 1 महीना जम के पढ़ लीजिए और अपना जॉब सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।